नमस्कार। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मैसेज आइए, सबको मेरी आवाज शायद आ रही होगी। हम सत्र की शुरुआत करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति। सभी के स्वास्थ्य की कामना करते हुए आप सभी को नमस्कार। और कपिल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें इस मौका दिया है। आइए, आज मेरा सब्जेक्ट है फूड, लाइफस्टाइल एंड इम्यूनिटी। सब एक दूसरे से पूरक है। जैसे हमारा स्वस्थ जीवन शैली रहेगी तो ही हमारा आहार जैसे रहेगा तो ही हमारा वैदिक मत्व सही बहुत अच्छा रह सकता है। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए ये सब बहुत आवश्यक है। अब स्वस्थ किसे कहते हैं? स्वस्थ, इस शब्द में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। स्व में ही स्थित। स्वस्थ की परिभाषा आयुर्वेद ने कही है, समदोषाः समाग्निश्च समधातु मलक्रियाः प्रसन्न आत्मेन्द्रियाः मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। इसका मतलब आयुर्वेद कहते हैं वात पित्त कफ तीनों दोष होते हैं। जिस व्यक्ति के तीनों दोष सम हैं, समदोषाः समाग्निश्च जिसकी अग्नि क्रिया अग्नि सम है, समधातु सात धातु बताए गए हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, जिसके सातों धातु सम है, जिसकी मलक्रिया सही है, जिसके ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय अपना कार्य व्यवस्थित कर रहे हैं और जिसकी आत्मा और मन प्रसन्न है, इसी व्यक्ति को स्वस्थ कहा जाता है। इसमें से एक भी कार्य यदि सही नहीं हुआ तो व्यक्ति अस्वस्थ कहलाता है। हर कोई स्वस्थ रहना तो चाहता है और स्वस्थ रहने के लिए कुछ ना कुछ करते रहता है। और कोई इधर भटकता है, कोई उधर भटकता है। स्वस्थ रहने के लिए सभी को लगता है कि मैं स्वस्थ रहूं। आजकल भी जो कोरोना की दहशत है, सभी को लग रहा है सुबह उठने के बाद सबको लगता है कि बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे स्वास्थ्य चाहिए। बस स्वास्थ्य के लिए हम इधर उधर भटकते रहते हैं। जैसे जंगल में घूमने वाला हिरन कस्तूरी ढूंढने के लिए जंगल में इधर उधर भटकते रहता है। उसे ये नहीं पता रहता है कस्तूरी तो उसके नाभि में ही स्थित है। और इसी प्रकार हमारा स्वास्थ्य भी हमारे पास ही है। इसीलिए हमारा शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक बौद्धिक सामाजिक विकास होने के लिए हमें हमारी दिनचर्या सही रखनी चाहिए, हमें अपनी लाइफस्टाइल सही रखना चाहिए, हमारा आहार सही लेना चाहिए, तभी हमारा वैदिक क्षमत्व सही रहेगा और तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ जैसे बहुत बार ऐसे होता है इस आपाधापी में, इस कलियुग में बहुत व्यक्ति बहुत व्यस्त है। हम घर की हर चीज का एक एक मेंटेनेंस बहुत करते हैं। कोई घर की चीज खराब हो जाती है तो उसका मेंटेनेंस करते हैं, गाड़ी की सर्विसिंग भी करते हैं। पर इस व्यस्त भरी जिंदगी में हम अपने शरीर की सर्विसिंग करने के लिए
हमारे पास टाइम नहीं रहता है, हम उसकी तरफ देखते नहीं हैं। हमारे बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए, हमारे बॉडी की स्वच्छता करने के लिए हमें अपने लिए अपना समय निकालना चाहिए। स्वस्थ रहने के बहुत बहुत तरीके से हम बॉडी की क्लीनिंग कर सकते हैं, बॉडी की सर्विसिंग कर सकते हैं। जैसे हमारा शरीर पंचमहाभूतों से बना हुआ है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, तो इन चीज़ों के साथ हम स्वस्थ रह सकते हैं। उसी प्रकार पंचकर्मों के द्वारा भी हम अपने डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं, षटकर्मों के द्वारा कर सकते हैं, जैसे नेति, धोती, बस्ती, नौली, कपालभाति, त्राटक, ये षटकर्म कहे गए, उससे भी हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले हमारी दिनचर्या। अब दिनचर्या की शुरुआत होती है उठने से, यानी लाइफस्टाइल यदि हमारी सही रहेगी, हम आहार सही रहेंगे, तो अल्टीमेटली हमारा वैधिक क्षमत्व निश्चित सही रहेगा, और वैधिक क्षमत्व सही रहेगा तो हमारे पास कोई भी बीमारी आने सकती है। इसीलिए सबसे पहले हमारी जीवन शैली। अब जीवन शैली में उठने से लेकर शाम तक, यानी आयुर्वेद ने कहा गया है, दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या का यदि हम पालन करते हैं। दिनचर्या का मतलब क्या होता है? सुबह उठने से लेकर शाम रात को सोने तक, और फिर रात को जो सोने का काल होता है वो रात्रिचर्या होता है, और ऋतु के अनुसार हम अपनी आहारचर्या शुरू रखते हैं, आहार करते हैं, तो उसे अलग अलग ऋतु में कैसे हमारी आहारचर्या होनी चाहिए, ये है ऋतुचर्या। आयुर्वेद के ग्रंथों में, चरक संहिता में इसका विस्तृत वर्णन आपको मिलता है, चरक संहिता के सूत्र स्थान में है, आहार के बारे में आपके विमान स्थान अध्याय में आपको इसका वर्णन मिल जाएगा। तो सबसे पहले राइजिंग से ही हमारी दिनचर्या शुरू होती है, यानी हमारा राइजिंग टाइम, हमारा स्लीपिंग टाइम, हमारा ईटिंग टाइम, यदि हम इसको सही रखते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है। सभी को पता है, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी और वाइज, पर कौन कब तक ब्रह्म मुहूर्त में उठता है? बहुत कम लोग होते हैं कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब सूर्योदय के एक डेढ़ घंटा पहले आपको उठना चाहिए, पर ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, हमारी व्यस्त भरी जिंदगी, और उसमें हमें ये नहीं ध्यान रहता है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त बहुत से लोगों ने देखा नहीं होगा। तो सुबह की उठने की शुरुआत हम यदि प्रसन्न मुद्रा में करते हैं, हमें पता है कि हम अपने कराग्र दर्शन करते हुए, क्योंकि कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्ये तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शन, ये है। तो हम कर के हस्त के दर्शन करते हुए पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ मुस्कुराते हुए यदि हम सुबह उठते हैं तो हमारी दिनचर्या बहुत अच्छी होती है। और उठते बराबर हमें एक पॉजिटिव वाइब्रेशन अपने आप को देना है, ऑटो सजेशन देना है, अपने आप से कहना है, मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मेरी काया निरोगी हो रही है, डे बाय डे आई एम गेटिंग बेटर बेटर एंड बेटर। ये पॉजिटिव वाइब्रेशन ही हमें हमारी इम्यूनिटी को बहुत अच्छी तरह से रख सकते हैं। अब दिनचर्या में तो सुबह उठने से लेकर शाम तक बहुत पूरे सारी बातें आपको सब पता है। यदि मैं पूरी दिनचर्या अभी बताने लग जाऊंगी तो उसी में पूरा टाइम निकल जाएगा, तो हमें दिनचर्या को पूरा कवर नहीं करना है। सुबह आपको उठना है, उसके बाद में दंत धावन है, उसके बाद में शौच क्रिया है, उसमें आसन भी है, मालिश भी है जिसे अभ्यंग कहा गया है, और आहार भी है, ये सारी बातें उसमें है। पर उसमें आयुष मंत्रालय की तरफ से एक एडवाइजरी की थी, अभी दिशा निर्देश किए हुए थे, उसमें बताया गया था कि आपको दो चीज़ें हैं वो मैं आपको कवर करूंगी, ताकि बाकी सारी चीज़ें तो आपको पता है कि अभ्यंग कैसे करना है, अभ्यंग का मतलब मालिश कैसे करना है, इसका एक एक टॉपिक बहुत विस्तृत तरीके से, हम इतना विस्तृत नहीं चाहिए। तो उसमें हमें बताना है कि जैसे आयुष मंत्रालय ने जो कहा था, नस्य, नस्य का मतलब है नासिका रंध्रों में तेल लगाना। जो आयुष मंत्रालय ने जो एडवाइजरी बोर्ड किया था उसमें यही बताया था कि दोनों नासिका में यदि हम अणु तेल घर में ना हो तो हम नारियल का तेल यूज करते हैं, तिल का तेल यूज कर सकते हैं। दोनों नासिका रंध्र में सुबह और शाम यदि हम तेल लगाते हैं, उसे प्रतिमर्श नस्य कहते हैं, तो ये यदि लगाते हैं तो अभी जो कोरोना का प्रकोप चल रहा है उससे हम बहुत तक बच सकते हैं, क्योंकि हमारे नासिका के अंदर एक तेल की लेयर बन जाएगी। दूसरा आयुष मंत्रालय ने कहा गया था ऑयल पुलिंग, इसको कहते हैं कवल धारण, ये भी हमारे दिनचर्या में हमें शामिल करना चाहिए। ऑयल पुलिंग का मतलब होता है हमें
तिल का तेल या नारियल का तेल एक चम्मच लेकर मुंह में लेना है। मुंह में उसको इधर उधर घुमाना है, 2 से 3 मिनट तक घुमाना है। इस प्रकार घुमाने के बाद 2-3 मिनट के बाद उस तेल को आपको थूक देना है और फिर गुनगुने पानी से कुल्ला करना है। ये 2 चीज़ें मैं जरूर इसमें बताना चाहूँगी क्योंकि आप अपने दिनचर्या में इसे शामिल करें जब तक कोरोना का प्रकोप है। कोरोना के इसमें जो भी आपको सब बताया गया है वो तो आप सभी फॉलो कर ही रहे हैं, जैसे मास्क भी लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी कर रहे हैं, हैंड वॉश भी कर रहे हैं, पर ये दोनों चीज़ों का भी समावेश जरूर करें आपके दिनचर्या में। अब दिनचर्या में वैसे तो बहुत सी बातें, उसके बाद में मैं आपको उसमें दिनचर्या में आपका जो शामिल है बहुत महत्वपूर्ण है उसमें मैं आहार और व्यायाम पर बहुत ज़्यादा फोकस देने वाली हूँ। आहार तो है ही हमारा टॉपिक, पर हमारे व्यायाम यानी हमारे जिंदगी में जो हमारी जीवन शैली है उसमें हमें अपने 24 घंटे में से 1 घंटा अपने लिए निकालना है। अब 1 घंटा आप प्रातःकालीन बेला में कर लोगे योग आसन प्राणायाम का अभ्यास तो बहुत ही, पर मैं समझती हूँ कुछ महिलाएं, कुछ वर्किंग लेडी है या कुछ व्यक्ति है जिनको सब सुबह का समय नहीं हो पाता है तो वो शाम को भी योग आसन प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। खाना खाने के उपरांत 4 घंटे के पश्चात आप कर सकते हैं। ये करने से हमारी इम्यूनिटी तो डेवलप होगी, साथ में शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक बौद्धिक सामाजिक विकास होगा और इसके साथ साथ हमारे अंदर पृथ्वी जैसी धैर्यता, अग्नि जैसा तेज, वायु जैसी गतिशीलता, आकाश जैसी विशालता, जल जैसी शीतलता, ऐसे भाव अपने आप आते हैं। हमारे अंदर दया ममता वात्सल्य प्रेम आने लगता है, हमारा क्रोध शांत हो जाता है। बहुत से बेनिफिट हैं। अब उसी के बेनिफिट हम चर्चा करने लग जाएंगे क्योंकि रोज ही आपको बताया जा रहा है यहाँ से कि कैसे योग आसन के क्या क्या फायदे हैं, पर हमारे इसमें यदि हम 1 घंटा निकालते हैं तो बाकी के 23 घंटे हम बहुत स्वस्थ रहते हैं, हम एनर्जेटिक फील करते हैं और हमारी इम्यूनिटी तो निश्चित। और व्याधिक क्षमत्व की आज की स्थिति में हमें आज बस व्याधिक क्षमत्व बढ़ाने पर ही आयुष मंत्रालय बार बार जोर दे रहा है, इसलिए आपको रिक्वेस्ट है कि अपने इसमें से 1 घंटा कम से कम चलो 30 मिनट आप वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, आप किसी भी प्रकार का अभी जैसे आप घर में बैठे बैठे डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, सभी प्रकार के आसन प्राणायाम का अभ्यास आप कर सकते हैं। यह है हमारी दिनचर्या। अब दिनचर्या में ये 2 चीज़ों के समावेश के अलावा आहार। अब आहार तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आयुर्वेद ने भी 3 उपस्तंभ कहे थे। आयुर्वेद में कहा था आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ऐसे 3 उपस्तंभ। उप का मतलब उसको सहायक और स्तंभ का मतलब खंभा। तो ये उपस्तंभ बहुत है, इसमें भी आहार को इन्होंने फर्स्ट लिया है, पहले भाग पर लिया है। क्यों? क्योंकि आहार से सब रस धातु बनता है, धातु की उत्पत्ति होती है, वात पित्त कफ तीनों दोषों की उत्पत्ति होती है, इसलिए आहार को प्रथम ही लिया है। और आहार नहीं लेंगे तो उसके बिना तो हमारी गाड़ी तो चल ही नहीं सकती है ना, इसलिए अब सभी को पता है कि हमारा आहार कैसे लेना चाहिए। बहुत बार ऐसे हमारे पास फोन आते हैं, हमारे पास संपर्क करने के लिए लोग कंसल्ट करने के लिए आते हैं कि ये ग्रीष्म ऋतु चल रहा है, अब हमें किस प्रकार का आहार लेना चाहिए, अभी कोरोना का प्रकोप चल रहा है किस प्रकार का आहार लेना चाहिए। तो आहार का वर्णन आयुर्वेद में जो चरक संहिता का विमान स्थान है उसमें प्रथम अध्याय में आहार विधि विधान बताया गया है। आहार विधि विधान में उन्होंने सारा बताया है कि आहार हमारा कैसे होना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है आयुर्वेद में 3 दोष हैं, वात पित्त, और तीनों दोषों को सम रखना ही हमारे स्वास्थ्य की परिभाषा के लिए, क्योंकि वात यदि दूषित हो जाता है तो 80 प्रकार के विकार होते हैं, पित्त यदि दूषित हो जाता है तो 40 तरह के विकार होते हैं, और कफ दूषित हो जाता है तो 20 तरह के विकार होते हैं। इस प्रकार 120 बीमारियां हमें हो सकती हैं। तो 120 बीमारियों का निर्मूलन करने के लिए हमें हमारी दिनचर्या सही रहनी चाहिए और हमारा आहार सही रहना चाहिए। अब आहार कैसे होना चाहिए? चरक संहिता में कहा गया है कि हितकर, ऋतुकर और मित्तकर होना चाहिए। आहार हितकर होना चाहिए हमें जैसे ऋतु के अनुसार, जैसे अभी ग्रीष्म ऋतु चर्या चल रही है, जैसे 6 ऋतु बताए गए हैं,
ऋतुचर्या भी हम थोड़ा सा, यदि हमारे पास समय मिलेगा तो हम ऋतुचर्या भी डिस्कस करेंगे, रात्रिचर्या भी डिस्कस करेंगे। पर जो मुझे टॉपिक दिया गया है उसमें पहले हम आहार, तो हम ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु जैसे वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, ऐसे छह ऋतु बताए गए हैं। तो वर्षा, शरद, हेमंत ये विसर्ग काल में आते हैं और शिशिर, बसंत, ग्रीष्म ये आदान काल में आते हैं। जब सूर्य उत्तरायण में होता है तो आदान काल में हमारा बल बहुत कम हो जाता है, और विसर्ग काल यानी आपको पता है सर्दियों में हमारा बल बहुत अच्छा रहता है, उस टाइम हम लोग थोड़ा गरिष्ठ भी भोजन ले लेते हैं तो पच जाता है। पर इस वक्त हमें क्या करना है, आहार ग्रीष्म ऋतु में हमारा बल बहुत कम है तो हमारे हल्का आहार लेना है, हमें जल पेय पर ज़्यादा ध्यान देना है, हमारी बॉडी को हाइड्रेट बहुत रखना है। हाइड्रेट का मतलब जब हमारा पानी हम अच्छा पियेंगे, जैसे पानी की मात्रा बताई गई है, सब व्यक्ति की मात्रा अपने कार्य के अनुसार अलग अलग होती है, पर कम से कम 3 लीटर तक पानी तो आपको रोज पीना है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कोई बाहर काम कर रहा है, एसी में नहीं है तो उसकी मात्रा बढ़ जाएगी अपने व्यक्ति के अनुसार, पर बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। देखो हम अन्न के बिना तो रह सकते हैं पर पानी के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। तो पानी, क्योंकि हमारा शरीर पे 80% भाग हमारा पानी से बना हुआ है हमारा शरीर का, तो पानी तो हमें ज़रूर पीना है। इसके लिए भी हम चर्चा करेंगे पानी कैसे पीना है, कब पीना है, पर सबसे पहले हम आहार पर डिस्कस करेंगे। अब आहार, जैसे मैंने कहा चरक संहिता में कहा था कि ऋतुकर होना चाहिए, तो ग्रीष्म ऋतु के अनुसार ही हमारा आहार होना चाहिए और मितकर होना चाहिए। एक आहार पचने के बाद ही दूसरा आहार लेना चाहिए। आहार उष्ण यानी ताजा बना हुआ होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, विरुद्ध आहार नहीं होना चाहिए। एक आहार पचने के बाद ही दूसरा आहार लेना चाहिए। आहार सेवन करते वक्त ना अधिक तेज ना अधिक धीमा और ना बोलते हुए प्रसन्न मुद्रा में मन को सहज प्रसन्न करते हुए अनुकूल वातावरण में, अनुकूल परिस्थिति में, स्वच्छ वातावरण में आहार को ग्रहण करना चाहिए। अब आहार किस प्रकार हमने कमाया है, किस प्रकार हमने बनाया है, ये भी एक बहुत एक विस्तृत चर्चा है। माँ जब प्रेम से खाना बनाती है बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, उनके अंदर एकदम मम्मी आज खाना बहुत अच्छा बना है, क्यों, क्योंकि मम्मी के अंदर का जो प्यार होता है, ममता होती है, वात्सल्य होता है, वो जो प्रेम होता है वो सब आहार में आ जाता है। इसलिए आहार जहाँ से लाया गया है, किस कमाई से हमने लाया है, कैसे बनाया है, इन सब बातों पर बहुत डिपेंड करता है। ये विस्तृत चर्चा होगी, वो ना करते हुए आहार अब कैसे क्या क्या लेना है। आहार जैसे मैंने आहार विधि विधान में जैसे ये कहा है, एक एक क्वालिटी है। जैसे उष्ण का मतलब ताजा ही क्यों लेना है, ताजा आहार हमारे अग्नि की प्रदीप्त करता है और ताजा आहार हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है। बहुत होते हैं लोग डिब्बा बंद आहार खिलाते हैं, कभी प्रोसेस फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, ये हमें नहीं खाना है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको माँ का दूध ही बहुत आवश्यक होता है, पर क्या होता है हम टीवी के एडवर्टाइज ये वो सब देखकर क्या करते हैं, डिब्बा बंद चीज़ें लाने लगते हैं, बच्चे को डिब्बे का दूध पिलाना शुरू करते हैं और वहीं से हम बच्चे की इम्यूनिटी कम करना शुरू कर देते हैं। 2 साल तक हम डिब्बा बंद चीज़ें कभी नेस्ले का, कभी किसी कंपनी का लाते, कभी उसको सेरेलैक देते, कभी डिब्बा में दूध देते, प्रोसेस किया हुआ दूध देते, प्रोसेस फूड देते, ऐसे ना देते हुए माँ का दूध, घर में बनाई हुई छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को प्यार से खिला सकते हैं और इसी से वैदिक क्षमत्व बढ़ता है। हमारा आहार जैसे रहेगा ना उसी से वैदिक क्षमत्व कहीं दूर से, कहीं ऐसे किसी टैबलेट या मेडिसिन से नहीं ला सकते हो। आप जन्म से लेकर हमारे आयु तक जो जो मेहनत करी है, जो हमारी जीवन शैली है, जो हमने खाया है, उसी से तो वैदिक क्षमत्व आएगा। तो अब आहार कैसे होना चाहिए, शुरुआत हमारी आहार से, जैसे मैंने बोला हाइड्रेट रहना चाहिए अपनी बॉडी को, तो हम अलग अलग तरीके से, अभी जैसे गर्मी का दिन है अलग अलग तरीके के हम पानी पी सकते हैं, जैसे सुबह उठने से लेकर पुशअप पान से लेकर, जैसे पानी भी अलग अलग तरीके से, तुलसी का पानी पी सकते हैं, यदि डायबिटिक वाला व्यक्ति है तो मेथी का पानी पी सकते हैं, यदि एसिडिटी वाला है तो धनिया, सौंफ, जीरा उसका पानी पी सकता है, पुदीने की पत्तियाँ डाल के, ककड़ी, खीरा, टोमेटो कुछ भी डाल के आप दिन भर में सादा पानी
तुलसी का पानी, तांबे के लोटे में रखा हुआ पानी, ये सब पानी आप अलग अलग पी सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी हाइड्रेट रहेगी। बॉडी पानी पीना बहुत बहुत आवश्यक है, इसको अंडरलाइन कर ले और समझ ले। अब आहार में जैसे मैंने बताया, हमारा आहार में से 80% आहार हमारा क्षारीय होना चाहिए। अब क्षारीय का मतलब क्या है? जैसे प्रकृति ने हमें दिया है, प्रकृति ने हमें जिस रूप में दिया है, जैसे फल है, सब्जियां, सभी प्रकार के फल, जैसे सीजन में जो फल आएगा वो ही लेना है, जो सस्ता है, जो ताजा है, जो मुबलक मात्रा में मिल रहा है, दूसरे कोल्ड स्टोरेज वाले लेने की आवश्यकता नहीं है। जो फल जितनी मात्रा में जितना अच्छा आ रहा है, उस फल को उस ऋतु में बहुत सेवन कर लें। जैसे मैंने बोला 80% आपका क्षारीय, उसमें बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे सारी फल, सारे ग्रीन वेजिटेबल्स और अंकुरित आहार, ये आहार आपको हमारा वैदिक समत्व सही रहेगा। अपक्व आहार में 80% बता रही हूँ आपको, और जो पक्व आहार है जिससे आपने गैस के संपर्क में लाकर उसको पकाया गया है, वो 20% लेना है। पर हम क्या करते हैं, हम शायद उल्टा करते हैं, तो हमारी आदत आप बदल दें। बहुत बार ऐसे होता है कि हमारा 80% तो पक्व आहार होता है और 20% ही हम सलाद है या कुछ ऐसे, बहुत से लोग होते हैं, बहुत से लोगों से हम डिस्कस करते हैं तो वो सलाद तो खाते ही नहीं, बोले सर घास फूस हम नहीं खाते हैं। बहुत बार ऐसे होता है, पर नहीं, अपनी आदत को हमको बदल देना चाहिए। तो आहार में जैसे मैंने बोला कि हम 80% अपक्व आहार, सबसे उसमें भी फल में भी आप ज़्यादा कोशिश करें जिससे हमारा वैदिक समत्व सही रहेगा। जैसे विटामिन सी वाले फल हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते हैं। विटामिन सी के फल हैं सभी को पता है, आंवला। आंवला में 100% विटामिन सी है। आंवले को रसायन कहा गया है, अमृत कहा गया है। आंवला आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। जब आंवला आ रहा है, आयुष मंत्रालय की जो आपने दिशा निर्देश कहे होंगे उसमें भी देखा होगा कि आपको 10 ग्राम च्यवनप्राश का रोज सेवन करना है, जिससे हमारा वैदिक समत्व बढ़ता है। तो 10 ग्राम च्यवनप्राश यदि हम रोज खाते हैं तो, अब जो डायबिटिक है वो बिना शुगर वाला खाना है, डायबिटिक वालों को अलग दिशा निर्देश होते हैं, ऋतु के अनुसार अलग आहार होता है, बीमारी के अनुसार अलग अलग आहार होता है। उसके लिए आपको चिकित्सक से परामर्श करना पड़ेगा कि ये बीमारी मुझे हो गई है, जैसे थायराइड है, क्योंकि देखो लाइफस्टाइल हमारा जो हमारी जो जीवन शैली है, जीवन शैली बिगड़ते ही सारे विकार होने वाले हैं, क्योंकि हमारा आहार हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारे विकार होने वाले। एक विकार होते ही जैसे ही मोटापा आएगा, मोटापा होते ही उसके सारे भाई बहन उसके पास आने लगते हैं। उसके भाई बहन का मतलब है, जैसे मोटापा होते ही तनाव हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, फैटी लीवर हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, सब एक साथ एक के बाद एक जुड़े हुए हैं, वो आ जाते हैं। तो क्यों ना हम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी पहले हमारी कोई बीमारी होने के पहले ही हम अपने आहार पे ध्यान देना शुरू करें, हम अपक्व आहार लेना शुरू करें। 80% यदि हम अपक्व आहार ले लेंगे, उसमें हमने विटामिन सी फल की बात कर रही थी, जैसे आंवला है, संतरा है, टोमेटो है, पपीता है, अभी इन दिनों में आम है, तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा है, इन सब चीज़ों का हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करेंगे। और अंकुरित आहार भी बहुत हमारी इम्यूनिटी बढ़ा, हर चीज़ को आप अंकुरित कर सकते हैं। जैसे डायबिटिक वाले हैं तो आप दाना मेथी को अंकुरित करके सेवन कर सकते हैं, मूंगे मोठे, और बच्चों में आप अलग अलग तरीके, गृहिणी होती है, माँ होती है, तो बच्चों को आप अलग अलग तरीके से बना के खिलाती है, कि जैसे बच्चे स्प्राउट्स नहीं खाएंगे तो स्प्राउट्स का चीला बना के खिला सकते हैं, उसको अलग फॉर्म में बना दे, कुछ अट्रैक्टिव बना कर दे दे, बच्चों को बहुत अच्छी सलाद, कलरफुल वेजिटेबल्स बना के दे दे, उनको बहुत अच्छे अच्छे कलर्स होते हैं आहार में, अपने अलग अलग कलर्स होते हैं, तो उसको देखते हुए बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, बच्चे खाने लगते हैं। उनको मोटिवेट करने के लिए माँ का बहुत अच्छा रोल होता है। तो आप विटामिन सी वाले फल, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स में भी ब्रोकली बहुत अच्छी आपके ना विटामिन, आपका विटामिन सी भी बढ़ाएगा, सारे मैंगनीज होते हैं। और फल में तो ज़्यादा सारे बताए, ग्रीन वेजिटेबल्स बताए मैंने, सूखे मेवे भी आप खा सकते हैं, सूखे मेवे को हमेशा भिगा कर खाना चाहिए, तो उससे भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। आप मूंगफली है उसको भी भिगा कर सेवन कर सकते हैं। बहुत ही तरह की सीड्स आती है, जैसे आपने फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी का नाम सुना होगा, अलसी भी आपका
बहुत अच्छी इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं बहुत से फलों में, अब किसके कौन से फल में कौन सा विटामिन है, कौन सा क्या है, ये तो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, पर विटामिन सी वाले फल आपको बहुत ज़्यादा खाना है। जैसे सुबह की शुरुआत यदि हम ग्रीन स्मूदी के साथ करते हैं, अब ग्रीन स्मूदी का मतलब होता है जैसे बहुत सी अलग अलग चीज़ें होती है, अब अलग अलग चीज़ें खाने का बहुत बार लोग कंसल्ट करने आते हैं, बोलते हैं कि मैडम आपने बोला सुबह ये भी खा लो, सुबह ये भी खा लो, वो भी खा लो, अब हम क्या क्या खाएं, खाली पेट क्या क्या खाएं। सही बात है, तो आपको एक स्मूदी बनानी है, उसमें सारी चीज़ें आपको डालना है, जैसे तुलसी है, तुलसी के 5-6 पत्ते डाल दिए, करी पत्ता, उसमें बहुत अच्छा कैल्शियम होता है, विटामिन होते हैं, आप करी पत्ता ले सकते हैं, पुदीने के पत्ते ले सकते हैं, पालक है, और आप ग्रीन वेजिटेबल्स में हरा धनिया डाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें लीफी वेजिटेबल्स हैं, कुछ एक दो फल भी उसमें आप डाल सकते हैं, जैसे एप्पल है, अनार है, आप कोई भी जो भी आपको, आप कभी ग्रीन स्मूदी बना सकते हैं, रेड स्मूदी, इन सब चीज़ों को एकत्र करके उसमें थोड़ा सा पानी डाल के अच्छा सा आप मिक्सर में जूस बना लेते हैं, बिना छाने ही आप सेवन करें। यदि आपको डालना है तो आप नींबू भी डाल सकते हैं, विटामिन सी उसमें भी है, कभी कभी उसमें आंवला भी डाल दे, बीटरूट डाल दे, रेड वाली स्मूदी हो जाएगी। तो इस शुरुआत यदि हम सुबह से हमारी दिनचर्या की शुरुआत ग्रीन स्मूदी के साथ करते हैं, तो हम दिन भर आप महसूस करना, इतना फ्रेश महसूस करोगे आप, बहुत अच्छा, और आपकी इम्यूनिटी तो निश्चित बढ़ेगी, ये तो है ना 100% है। तो उसी में जब हमारी पूरी स्मूदी बन जाती है तो भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हैं उसमें, उसमें आप भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स के साथ कुछ सीड्स भी आप डाल सकते हैं, जैसे मैं सीड्स की बात कर रही थी, एक फ्लैक्स सीड्स जैसे आपको बताया, सूरजमुखी के बीज है, पम्पकिन के बीज है, तरबूज के बीज है, खरबूज के बीज है, तो इन सारे जो बीज है, चिया सीड्स है, सब्जा जिसे कहते हैं, सब्जा भी आप ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप सारा उस जूस में डाल के आप ले ले तो आपका ब्रेकफास्ट भी बहुत हो जाएगा, साथ में थोड़ा सा स्प्राउटेड ले ले तो सुबह की जो एनर्जी आपको जो मिलेगी बहुत अच्छी, इसमें सारे पंचमहाभूत मिल गए हैं, तो ये शुरुआत आप करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो इसी से हमारा वैदिक क्षमत्व बढ़ सकता है। बहुत बार ऐसे होता है कि अब हम आएंगे वैदिक क्षमत्व पर, फूड पर हमने बहुत ज़्यादा चर्चा कर ली, अब मैं बोलने लग जाऊँगी तो मैं बहुत फूड पे भी बहुत अलग अलग आपको रेसिपी वगैरह ऐसे बनाऊँगी, तो उसमें हमारा समय निकल जाएगा, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है। अब हम वैदिक क्षमत्व पर चर्चा करते हैं। आयुर्वेद में 3 तरह के बल कहा गया है, आयुर्वेद में वैदिक क्षमत्व ऐसा कोई अलग से डिटेल नहीं बताया, बल कहा गया है, चरक संहिता में उसे बल से त्रिविध बल कहा है, सहज, कालज और युक्तिक रोग। अब सहज बल, वैदिक क्षमत्व कैसे आता है, जन्म से लेकर अभी तक जैसे मैंने बोला अपनी दिनचर्या से आता है, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है वैदिक क्षमत्व के लिए, वैदिक क्षमत्व पुष्ट अप करने के लिए, जो हम अपनी दिनचर्या कर रहे हैं, हमारा आहार कर रहे हैं, हमारा व्यायाम कर रहे हैं, उसी से ही तो हमारा वैदिक क्षमत्व आएगा। ऐसे कोई मेडिसिन नहीं है कि आज मैंने हल्दी पी ली और मैं आज ही गोरी हो गई, नहीं। हमारे किचन में जैसे आहार में अलग अलग स्पाइसेस होते हैं, हमारे किचन की जो रसोई है वो ही हमारे सारे वैदिक क्षमत्व बढ़ाने वाली है। जैसे हमारे इसमें हल्दी है, हल्दी तो आप हल्दी के क्या कहने, क्या गुण है उसको आप सभी को पता है। हल्दी का दूध हमें रोज लेना है, आयुष मंत्रालय की जो गाइडलाइन दी है ना उसमें भी बताया कि 150 ml दूध लो और दूध में आप 1 चम्मच हल्दी डाल के रोज रात को सेवन करो। आप रोज रात को सेवन करेंगे तो हल्दी से एंटीबायोटिक भी है, हल्दी के बहुत ज़्यादा गुण हैं, वो आप ले सकते हैं, तो जिससे हल्दी है। आपके आहार में भी आप अलग अलग, जो हमारे किचन में देखो, किचन ये हर्बल मेडिसिन का काम करते हैं, हमारे रसोई से बहुत सारी मेडिसिन है, धनिया है, सौंफ है, जीरा है, हींग है, अजवाइन है, दालचीनी है, लौंग है, इलायची है, काली मिर्च है, बस इन्हीं चीज़ों का यदि हम सेवन करते हैं ना तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे अपने आहार में। उसी प्रकार आपको लहसुन का भी यूज़ करने के लिए बताया गया है, जो हमारी गाइडलाइन है उसमें बताया था कि हम आहार में ये सारी चीज़ें डाल के, जैसे हम पानी पीना है जीरे का पानी पी ले, कभी कभी दालचीनी का पानी पी ले, लौंग काली मिर्च डाल के, गले में यदि खराश हो रही है तो आप तुरंत थोड़ी सी 2-3 लौंग पीस ली और उसके साथ हम लोग शहद के साथ ले ली, तो हमारा ये जो अभी इन दिनों में थोड़ा सा खराश हो रहा है, तो किचन से ही हम आहार से ही हमारा इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। तो मैं वैदिक क्षमत्व की बात कर रही थी, तो बता रही थी कि जैसे सहज, कालज और युक्तिकृत ये 3 बल का है। तो सहज कैसे होता है, जन्म से ही आता है, अपने माता पिता से आता है, माता पिता के जीन्स जैसे होंगे वैसे होता है ना। बहुत बार ऐसे जन्मजात व्याधि हो जाती है, बोलते भाई पूर्वजों से आया है, हमारे माता से आया, माँ डायबिटिक है तो उसमें आ गया,
पर हमारी जींस यदि अच्छे होंगे, माँ से ही जो सहज इम्यूनिटी हमने ली है और जन्म होने के बाद में माँ का दूध लिया है, उसी से हमारी जो इम्यूनिटी आई वो सहजता से आई। और फिर बलज, दूसरा है कालज बल। कालज बल का मतलब क्या होता है? काल के अनुसार, जैसे मैंने कहा था कि दो काल होते हैं, आदान काल और विसर्ग काल। तो आदान काल जैसे मैंने गर्मी का ऋतु कहा था, तो उसमें हमारा बल कम होता है, है ना? और विसर्ग काल का मतलब होता है विंटर का सीजन, उसमें हमारा बल बहुत अच्छा रहता है। जैसे कुछ जाति होती है, कुछ स्टेट्स होते हैं, कुछ देश होते हैं, देश उसके अनुसार भी हमारी प्रकृति, हमारा वैदिक क्षमत्व होता है। जैसे बहुत सी जगह होती है कि जैसे पंजाब में कहा गया है कि उनका वैदिक क्षमत्व बहुत ज़्यादा होता है, हमारे इंडियंस का तो वैदिक क्षमत्व सबसे ज़्यादा ही होता है। तो ऐसे किसी वंश के अनुसार भी वैदिक क्षमत्व होता है, पहाड़ों में रहने वाले हैं ऐसे, और बल देश के अनुसार भी बल अलग अलग होता है। अवस्था, अपनी बाल्यावस्था, यवन अवस्था और वृद्धावस्था, इसमें भी यवन अवस्था में जो होता है उसमें आपका इम्यूनिटी बहुत अच्छा होता है, और वृद्धावस्था में, इसीलिए जो आयुष की दिशा निर्देश बता रहे बार बार आपके कोरोना के, इसमें कहा था कि बालक और 65 साल से व्यक्ति को बाहर नहीं निकलना है। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी कम होती है ना। तो ये इम्यूनिटी हम यदि बढ़ा लेंगे तो वो लोग भी सर्वाइव कर जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो उन्हीं के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम। और तीसरा होता है युक्तिकृत बल। अतः युक्तिकृत बल कैसे होता है? युक्तिपूर्वक हमने जो जो आहार लिया है, दूध दही छाछ इन चीज़ों का सेवन करा है, और हमने वैक्सीनेशन किया है बचपन से लेकर अभी तक जो भी टीकाकरण किया है, युक्तिपूर्वक हमने हमारे आहार को, हमारे व्यायाम को करते हुए, हमारी दिनचर्या को सही करते हुए जो भी हमने कमाया है उसे युक्तिकृत वैदिक क्षमत्व कहते हैं। अब वैदिक क्षमत्व बढ़ाने के लिए हमारे आयुष की गाइडलाइन जो दी है उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, उस पर भी हम 5 मिनट में चर्चा करेंगे। उसके पहले ऐसे बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमारा वैदिक क्षमत्व बूस्ट नहीं होने देता है, जो हमारी लाइफस्टाइल है। जैसे देर रात तक सोना है, देर रात तक सोने से क्या होता है, हमारे जो साउंड स्लीप होती है, जो रात्रिचर्या की बात हम कर रहे थे, हम नहीं, यदि हम पूरा हम 7 से 9 घंटे क्वालिटी स्लीप लेंगे ना, बहुत अच्छी नींद लेंगे, साउंड स्लीप लेंगे, तो हमारा वैदिक क्षमत्व निश्चित बढ़ेगा। क्योंकि नींद बहुत जरूरी, जैसे आहार है, पानी का मैंने डिस्कस किया, फल सब्जी किचन के रसोई होते, ये सारी चीज़ों का हमने जो सेव किया, उसके साथ साथ निद्रा बहुत आवश्यक है। और वो निद्रा भी रात को, जो समय पर ही सोया जाता है रात को, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10-10:30 के बाद, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तभी तो उठ पाओगे। तो ये यदि बहुत बार ऐसे होते हैं कि हम लोग, हमारी लाइफस्टाइल ऐसे होती है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, और इसमें ये बच्चे सो नहीं पाते हैं, इसीलिए उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। दूसरी चीज़ हमें बूस्ट कर, जैसे हमारा अवरोध करती है, हमारा इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए डैमेज करती है, जो हमारा जंक फूड आहार बार बार लगता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक लेना, बच्चों में कॉफ़ी का ज़्यादा सेवन करना, पिज्ज़ा बर्गर मैदे वाली चीज़ लेना, चीनी की बहुत ज़्यादा चीज़ लेना। आपको चीनी खाने का मन कर रहा है, तो ये आपके कितने अच्छे अच्छे फल आ रहे हैं, खजूर खा सकते हैं आप, किशमिश खा सकते हैं, आम है, तरबूज है, खरबूज है, आम को राजा ही कहा गया है फलों का, तो इनको आप सेवन करके मिठास आप अपने इसमें ला सकते हैं। तो बहुत बार क्या होता है, इन चीज़ों को बच्चे सेवन करते हैं, बेकरी आइटम यूज़ करते हैं, और उसकी वजह से इनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तीसरा होता है अल्कोहलिक चीज़ें, अल्कोहल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो लोग ऐसे सेवन करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, पान बीड़ी सिगरेट ऐसे टॉक्सिक चीज़ों का सेवन करते हैं, तो उससे भी हमारी इम्यूनिटी बूस्ट नहीं हो पाती है। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। उसके अलावा स्मोकिंग हैबिट है, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है, और बहुत बार ऐसे होता है कि हम लैक ऑफ, बच्चों में है लैक ऑफ एक्सरसाइज है। तो मैं बार बार कह रही हूँ कि आपकी एक्सरसाइज सही रहनी चाहिए, आपको 3 चीज़ों पर तो ध्यान देना ही चाहिए। अब जैसे आयुष मंत्रालय ने हमें कुछ बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं, हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके लिए हम लोग सभी आयुर्वेदिक औषधालय में एक निःशुल्क काढ़ा मिलाया जा रहा है, काढ़ा वितरित किया जा रहा है, जो क्वारंटाइन सेंटर्स में हमारे सारे पेशेंट है उनके लिए भी हमारा, हम लोग उनको दे रहे हैं।
पर इनमें तीन चार चीज़ों का मैं बहुत ज़्यादा जिक्र करना चाहूँगी। वो पौधे भी आप घर में लगा सकते हैं, उन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा सेवन करना है। उसमें सबसे अच्छा है आंवले का, तो सेवन मैंने बता ही दिया, जैसे च्यवनप्राश खाना है। आंवला किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं आप, जैसे गर्मी का ऋतु है आपको च्यवनप्राश का स्वाद नहीं अच्छा लगता, आंवले का मुरब्बा खा लो। आंवले का मुरब्बा जब खत्म हो जाएगा, आंवले का चूर्ण ले लो, आंवले का जूस ले लो। आंवला आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। जैसे गिलोय, गिलोय का नाम, गिलोय आप सभी को पता है, गिलोय स्वामी रामदेव जी ने भी गिलोय का बहुत अच्छा प्रचार प्रसार किया था। गिलोय गुड़ुची कहते हैं, गुलवेल कहते हैं उसे, अमृता कहते हैं, न मरने वाला पौधा है। और गुड़ुची के तो क्या क्या फायदे हैं, गुड़ुची का नाम है टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया। जैसे हार्ट के शेकड़ उसके पत्ते होते हैं, ये एंटी ऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लामेटरी है, एंटी एलर्जिक है, ग्लूकोसाइड्स पर है, ग्लूकोज लेवल कम करता है, जिनकी यानी शुगर लेवल बढ़ती है उसको भी कम करती है। उसमें कॉपर है, हड्डियों को ताकत देता है, बहुत बहुत बेनिफिट है। यदि एक एक पौधे के बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, पर मेरे को जो पौधे जो हम फिर छोटे से गमले में हम लगा सकते हैं, तो हर व्यक्ति ने अभी संकल्प ले कि आप कम से कम गुड़ुची, क्योंकि जब हमें पता था स्वाइन फ्लू का जब जोर चल रहा था, हमने गुड़ुची का काढ़ा पिया था, हमने स्वाइन फ्लू से बचाव किया था। तो आयुष मंत्रालय ने भी कहा है कि आप रोज एक काढ़े का सेवन करना चाहिए, जिसमें उसमें दो चार घर में जो चीज़ें हैं आवश्यक बिल्कुल आपके घर में है, तुलसी के पत्ते हैं, अदरक है, गिलोय है, उसके बाद में आप दालचीनी डाल सकते हैं और थोड़ा सा गुड़, या यदि आप डायबिटिक है तो गुड़ ना कर डालें, लेमन डाल सकते हैं। ये बना के तुलसी के पत्ते डाल के, गिलोय डाल के, इनका काढ़ा यदि आप सेवन करते हैं, दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च है, इन सभी चीज़ों का हम काढ़ा पीते हैं, दिन में एक दो बार काढ़ा पिए, तब भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए तो गिलोय बहुत अच्छा है। दूसरा मैं बताना चाहूँगी आपको तुलसी, तुलसी का पौधा भी आप हर व्यक्ति हम घर में तो लगाते ही है और तुलसी का हम पूजन भी करते हैं, तो तुलसी हर व्यक्ति घर में लगाए और तुलसी रोज़ सेवन करें। तुलसी में अभी जब पूरा रिसर्च हो रहा है और अभी भी रोज़ रिसर्च चल रहा है और हम लोग सभी उनको सभी लोगों को इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए हम ये द्रव्य दे रहे हैं। तीसरा है यष्टिमधु, यष्टिमधु यानी मीठी लकड़ी, ये भी सब लोग अपने घर में रखना चाहिए। मीठी लकड़ी किसी भी पंसारी की दुकान पे आप जाओगे तो मिलेगी, ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत अच्छा करता है, आपका कफ का विलयन करता है। जैसे बहुत बार होते हैं, वैसे वमनोपक भी है, मुलेठी कहते हैं उसको, पर ये चीज़ें जो भी मैं बता रही हूँ, आंवला है, गिलोय है, यष्टिमधु है, तुलसी है, आपको अश्वगंधा है, ये सारी चीज़ें जो मैं बताने जा रही हूँ ये रसायन का कार्य करता है। और हमारे आयुर्वेद में रसायन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, चरक संहिता में रसायन चिकित्सा बहुत महत्व रखती है। तो इन चीज़ों से जैसे यष्टिमधु, विटामिन B12 आप घर में रखें, जब भी अभी आपको ऐसे गले में खराश हो रही है तो आप मुलेठी चूस लें, तो इससे भी आपको बहुत बेनिफिट, मुलेठी का चूर्ण भी आपको इम्यूनिटी बूस्ट करता है। तो ये चीज़ें, इसमें विटामिन B12 भी बहुत अच्छा है, कैल्शियम है, फॉस्फरस है, क्या तो कहने, हर यानी जो भी मैं चीज़ बताऊंगी उनके यदि गुणधर्म बताने जाऊंगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए अभी हम जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उन सबको दे रहे हैं अश्वगंधा चूर्ण का पैकेट दे रहे हैं। तो अश्वगंधा चूर्ण भी यदि हम एक एक ग्राम सुबह शाम सेवन करते हैं तो अश्वगंधा चूर्ण से भी हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है। अश्वगंधा का नाम है विदानिया सोमनीफेरा। ये सारे ड्रग्स आपको उसके बारे में सब पता चल जाएगा यदि आप सर्च करोगे। वैसे नर्वस सिस्टम में बहुत अच्छा काम करता है, नरवाइन टॉनिक है ये, तो नरवाइन टॉनिक है, तो इस नरवाइन टॉनिक को यदि हम करते हैं तो हमारी शुक्र धातु वर्धक भी है, ऐसे हमारा मांस धातु भी बल्य है, तो इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो अश्वगंधा भी आप उसमें निश्चित, इसे शुक्राणु वर्धक भी है, बहुत अच्छा है, बहुत उसके फायदे हैं, पर इम्यूनिटी बूस्ट करता है ये आप ध्यान रखें, क्योंकि एक चीज़ के अनेक फायदे होते हैं। तो आप ऐसे नहीं कि भाई, जैसे आप इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आप इन सारी चीज़ों का यदि सेवन करते हैं, और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो काढ़ा है, जो काढ़ा वात श्लेष्मिक ज्वर काढ़ा है, ये आपको आयुर्वेदिक औषधालय में मिलेगा, उसका जरूर सेवन करें। जब तक कोरोना का प्रकोप चल रहा है, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने पर ही आप ध्यान दें। जैसे इम्यूनिटी बूस्ट करोगे, जैसे वात श्लेष्मिक ज्वर काढ़ा है उसमें मैंने बताया है, जैसे उसमें वासा है, वासा भी बहुत अच्छा है, वासा कफनाशक है, जगह जगह मिलता है, ये सारे पौधे आपको इजीली मिल जाते हैं, सारे द्रव्य बहुत अच्छे हैं, वासा है, कंटकारी है, तालीस पत्र है, हरिद्रा है उसमें, इस वातश्लेष्मिक ज्वर काढ़े में तालीस पत्र है, दालचीनी है,
तो ये सारी चीज़ें इसमें रहने से आपका बहुत अच्छा इम्यूनिटी बढ़ेगी। जैसे मैंने कहा है रात्रिचर्या, हम बाद में डिस्कस करेंगे, और ऋतुचर्या, रात्रिचर्या ये इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। और दूसरा एक इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, जैसे बहुत बार ऐसे होता है, मानो हम समाज पर ये प्राणी हैं, ठीक है, मैंने समाज में रहते हैं, तो अभी तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए कहा है, उसका आपको पूरा पूरा पालन करना है, नहीं जाना है, किसी के घर नहीं जाना है, ना किसी को आने देना है। आप सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो कर रहे होंगे, पर हम फ़ोन कॉल तो कर ही सकते हैं, एक दूसरे को फ़ोन कॉल करके हम एक दूसरे से उसके कुशल क्षेम पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा सोशल रिलेशनशिप भी रखने से भी हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बूस्ट होती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे अंदर ऐसे। अच्छा, एक दूसरी एक लास्ट एक आपको एक बहुत अच्छी लाफिंग थेरेपी में बता रही हूँ कि आपकी लाफिंग थेरेपी भी होनी चाहिए। आपका चेहरा हमेशा मुस्कान, प्रसन्नता, खिले हुए फूल कितने अच्छे लगते हैं, तो इससे भी हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो ये सारी बातों का जितना जितना मैंने कवर करने की कोशिश करी है, वो सारी बातों का आप ध्यान रखें, और निश्चित हम कोरोना पर विजय पाने वाले हैं। और आयुर्वेद जिसके साथ है, आयुर्वेद की द्रव्य जिनके साथ हैं, और इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले इतने अच्छे अच्छे द्रव्य जब हमारे साथ हैं, तो हम कोरोना पर निश्चित विजय पाएंगे, कोरोना पर विजय पाएंगे ही। ये एक हमारे अंदर सकारात्मक सोच रखें। और आप सभी को, आपके कोई क्वेश्चंस भी है तो इनको भी मैम लेना चाहेंगे। यदि आपको ऐसा कोई भी शंका है तो आप हमारे पास संपर्क करके हम कर सकते हैं। रात्रिचर्या में और एक मैं बता रही थी कि जो नींद है ना, नींद आप पूरी अपनी पूरी बहुत अच्छी अच्छी नींद ले आप, और नींद लेंगे। बहुत बार ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं, बोलते मैडम नींद नहीं आ रही, तो नींद आने के लिए यदि आप बहुत अच्छा आहार लोगे, रात्रि का समय तो स्लीपिंग टाइम, आपका राइजिंग टाइम और खाने का टाइम, बस इसी का आप ध्यान रखोगे ना, और आपके रूम का वातावरण बहुत अच्छा रखोगे। थोड़ा सा एक इसेंशियल ऑयल्स होते हैं, जैसे लेमन ग्रास ऑयल है वगैरह, ऐसे इस ऑयल को भी हम घर में रखते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है, एक एरोमा बहुत अच्छा आता है, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत अच्छी नींद भी आती है। एक हल्का हल्का संगीत सुन सकते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से बिल्कुल दूर रह जाए, और फिर उसके बाद आप सोने जाए तो निश्चित आपको नींद लेनी चाहिए। आपको क्वालिटी स्लीप लेना है, 7 से 9 घंटे जरूर लेना है, तभी आपका वैदिक क्षमता बढ़ सकता है। तो आहार, निद्रा, जीवनचर्या, ये सब आप ले और आपका वैदिक क्षमता निश्चित से ही बढ़ेगा, और सभी हम स्वस्थ रहेंगे, निरामय रहेंगे। इसी के साथ मैं आपको इजाज़त चाहती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने मेरे को बहुत सुना, मेरे को रिस्पॉन्स आया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।